आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और 100% सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये गुलाब जामुन बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DDC रेसिपीज। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप के करीब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पनीर। ये बिल्कुल मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में चला के डालें, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। 2-4 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया इसमें मैदा और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ घी। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और हल्के हाथ से इसको बिल्कुल मिला लेना है। ध्यान रखें इसको हल्के हाथ से ही मिलाएं, बहुत ज़्यादा इस पर जोर ना लगाएं। और 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर में और हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिलाकर हमें एक डोसा तैयार करना है। इसे हमें आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना है, बहुत ही हल्के हाथ से बनाएं, नहीं तो गुलाब जामुन स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो 1 पिंच डाल दिया है मैंने यहाँ पर सोडा और इसको भी हल्के हाथ से मिलाएं। मैं हल्के हाथ से बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुलाब जामुन सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनने के लिए हल्के हाथ से मिलाना ज़रूरी है। अब 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे अलग और तब तक बनाते हैं चाशनी। तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है और हाई फ्लेम करके चीनी को घुलने तक हमें इसे पहले पका लेंगे। जब चीनी घुल जाए तो 2-3 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे ताकि ये चिपचिपी सी हमारी चाशनी बने। ये चाशनी 1 तार 2 तार की नहीं बनती है, सिर्फ चिपचिपी बनानी होती है। तो 3-4 इस पर छोटी इलायची और थोड़ा सा डाल देंगे केसर। केसर डालने से ये होता है कि आपको फिर कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा हल्का सा पीला पीला सा जो हमारी है ना चाशनी बनती है। तो देखिए चाशनी ना बिल्कुल स्टिकी हो गई है, बिल्कुल चिपचिपी सी हो गई है। तो गैस फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे अलग और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा डो भी जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। डो को ऐसे ही रखना है, इसे बिल्कुल भी दोबारा ना गूंदें। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें और छोटे छोटे से बिल्कुल नींबू से भी छोटे साइज के बॉल लेकर इसको हाथ से ही गोल बना लें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, हमारा गोला जो है ना बिल्कुल क्रैक फ्री होना चाहिए, तभी गुलाब जामुन तेल में जाके फटेंगे नहीं। तो देखिए मैंने बिल्कुल गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे जहाँ हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम हॉट ऑयल ले लिया है और गुलाब जामुन को इसमें डाल देंगे। जब गुलाब जामुन जो है ना तैर के ऊपर आ जाएंगे तो लो हीट करके हमें इसे पकाना है, ध्यान रहे उसके बाद लो हीट पे पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और तेल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे हिला हिला के ही आपको गुलाब जामुन को पकाना है, उसको टच ना करें। और जब इस तरीके से डार्क ब्राउन हो जाए या लाइट ब्राउन जैसे भी आपको कलर चाहिए वो हो जाए तो बस गुलाब जामुन तैयार है, इसे निकाल लेंगे। और गुलाब जामुन को ना ध्यान रखिए जब आप चाशनी में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल डूबे हुए होने चाहिए, तभी ये स्पॉन्जी बनेंगे और चाशनी आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे ना तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है, बस टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये डूब गए हैं इस चाशनी में, तो इसको ढक के हम रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए अलग ताकि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो 2 घंटे बाद देखिए गुलाब जामुन आप देख सकते हैं पहले से कितने ज़्यादा फूल चुके हैं, अच्छे से चाशनी को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हैं। आप इन गुलाब जामुन को ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। और रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान से मालपुआ। तो उसके लिए पहले तैयार करते हैं शुगर सिरप, 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल जाए। हम 1-2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे बल्कि चीनी को स्टिकी होने तक ही हमें पकाना है। तो चीनी घुल चुकी है तो इसमें डाल देंगे 3-4 इलायची को क्रश करके और 1/4 चम्मच केसर और इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो बस ये अच्छे से बॉईल हो गया है, चेक करते हैं। देखिए स्टिकी जो है ना एक चिपचिपा सा हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें नींबू का जूस डाल देंगे ताकि हमारी चीनी क्रिस्टलाइज ना हो और इसको हम कवर करके रख देंगे अलग। तब तक हम बना लेते हैं मालपुआ का बैटर। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी यानी सेमोलिना और 1/2 कप लिया है मिल्क पाउडर, 1/4 चम्मच छोटी इलायची और सौंफ का पाउडर, 1 कप और 1/4 कप
दूध डालकर हमें इसे मिक्स करके अच्छा सा एक लंप फ्री होने तक, जिसमें गुठली ना हो, वैसा मिक्सचर तैयार करना है। तो 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बस मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल एक स्मूथ और देखिए ऐसे फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो मालपुआ को हम मीडियम हॉट ऑयल में इस तरह से बीच में डाल देंगे तो ये अपने आप फैल जाता है। जब तक ये तैर कर ऊपर ना आए, इसे बिल्कुल भी टच ना करें। लो से मीडियम हीट में इसको दोनों तरफ से फ्लिप करके गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लें। तो देखिए मालपुआ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरीके से सारे मालपुआ को फ्राई करके इसको डाल देंगे हम हल्के गरम चाशनी में। चाशनी इस वक्त हल्की गरम होना जरूरी है, तभी ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से इनको शुगर सिरप में 3-4 मिनट के लिए उलट पुलट करके सोक कर लें। और बस ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो बस 3-4 मिनट पर मालपुआ हमारे बिल्कुल रेडी है। इनको मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। तो इस तरीके से ये आसान सा झटपट बनने वाला मालपुआ आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।